Nebulizer. It is a drug delivery device mainly used to medication administration in the form of mist which inhaled into the lung. Nebulizer एक drug delivery device होता है जिसका use हम लोग patient को medication देने के लिए in form of mist, it means होता है भाप के रूप में जो कि इन lung के द्वारा inhale किया जाता है. A nebulizer changes medication from a liquid to a mist so you can inhale it into your lung. Nebulizer जो कि device होता है ये change करता है medicine को liquid से mist form में जिसे हम lung के द्वारा inhale कर लेते हैं. Nebulizer छोटा device होता है जिसे हम hospital और साथ ही साथ कहीं पे भी carry कर सकते हैं जैसे कि traveling में या फिर अपने घर में. You may need a doctor's prescription for a nebulizer. Nebulizer के उपयोग करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. Nebulized therapy is often called breathing treatment. इसे breathing treatment भी कहा जाता है. Nebulizer में use होने वाले medication होते हैं corticosteroid टू फाइट इन्फ्लामेशन, मतलब ये इन्फ्लामेशन को कम करता है. इसके अंदर मेडिसिन यूज़ करते हैं ये है ब्यूडेसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, ये सारे. एंड साथ ही साथ हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स. ब्रोंकोडाइलेटर्स टू ओपन योर एयरवेज. एयरवेज को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इसमें इंक्लूडेड मेडिसिन है एल्ब्यूटोरॉल, फॉर्मोट्योरॉल, लेवल ब्यूटोरॉल एंड सालमेट्रॉल. पार्ट्स ऑफ नेबुलाइजर, पहला है माउथपीस, मेडिसिन कप, मास्क, होस एंड मशीन. देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ नेबुलाइजर. कंप्रेसर, कंप्रेसर इज अ पावर सोर्स दैट कंप्रेस रूम एयर विच देन ब्रेक्स द लिक्विड मेडिकेशन इन टू टाइनी ड्रॉपलेट विच कैन बी ब्रीथेड इन. जो कंप्रेसर रहता है ये पावर सोर्स होता है जो कि कंप्रेस करता है रूम एयर को जिससे कि ब्रेक डाउन होता है लिक्विड मेडिसिन इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट जिसे पेशेंट ब्रीथ करता है. सेकंड पार्ट होता है नेबुलाइजर चैम्बर. नेबुलाइजर चैम्बर में लिक्विड मेडिकेशन को स्टोर किया जाता है. थर्ड है माउथपीस और फेस मास्क. ये पार्ट पेशेंट के फेस को कवर करता है. जब नेबुलाइजर को ऑन किया जाता है तो मेडिसिन फेस मास्क के थ्रू पेशेंट उसे ब्रीथ करता है. इंडिकेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो म्यूकस जो कि बॉडी में सिक्रीट होता है वो थीक हो जाता है और ये थीक होने के कारण से ब्लॉकेज बन फॉर्म करता है जैसे कि ब्रोंकाई में जिसके कारण से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है. नेक्स्ट है अस्थमा. अस्थमा वाले पेशेंट को भी नेबुलाइज करना ज़्यादा फायदेमंद होता है. थर्ड है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस. ये भी रेस्पिरेटरी डिसीज होता है एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेस. साइड इफेक्ट, पहला डिजीनेस, सेकंड है माउथ इन्फेक्शन. माउथ इन्फेक्शन होने का चांस बहुत होता है क्योंकि नेबुलाइजर को क्लीन करने का तरीका बहुत कम ही लोगों को आता है जिसके कारण से माउथ इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है. वर्सनिंग अस्थमा सिम्टम्स, इसके चलते अस्थमा का सिम्टम्स भी शो होता है. नर्वसनेस, लोगों को नेबुलाइजर यूज़ करने में भी नर्वसनेस लगता है. एंड रैपिड हार्ट बीट, किसी किसी पेशेंट का तो हार्ट बीट बढ़ जाता है जब ड्यूरिंग नेबुलाइजर यूजेस.